हाय स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज का चैप्टर है हीट। हमने पिछले चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में देखा कि हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जैसे एनिमल फाइबर्स जिसमें वूल और सिल्क आता है, प्लांट फाइबर जिसमें कॉटन आता है, और जब विंटर होती है तो इस विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों वूलन और डार्क क्लोथ्स पहनते हैं? क्यों? क्योंकि they keep us warm. Woolen and dark clothes keep us warm. Why? Because these woolen fibers, they are poor conductor of heat, and also the air gets trapped in there, which doesn't allow heat to move lost. Or summer mein hum cotton clothes pehante hain, kyunki cotton or light clothes, because they reflect the heat. To iske bare mein, iske silsile mein hum ek activity bhi kar sakte hain. कि जो डार्क क्लोथ्स होते हैं या ब्लैक होते हैं वो एब्जॉर्ब हीट करते हैं, और जो लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक टू मग्स, मग ए एंड मग बी, वी विल फिल देम विद द वाटर एंड वी विल पेंट ब्लैक कलर टू द मग ए एंड वी विल कीप इट एज व्हाइट। नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल टेक दीज बोथ दीज मग्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, only one is black color, we will keep it into the sun for 2-3 hours. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि किसमें ज्यादा वार्म पानी है। जब हम हाथ इस दोनों में डालेंगे तो ये जो ब्लैक वाला होगा इसमें जो है इसमें पानी वार्म होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है हीट एब्जॉर्ब करता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में नया पानी डालेंगे कोल्ड, फिर उसको बॉइल करेंगे, दोनों को बॉइल करेंगे अप टू 60 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको शेड में रखेंगे, ठीक है। आफ्टर 10-15 मिनट्स वी विल चेक इट अगेन। जब फिर दोबारा इसको देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर का जो मग था उसमें जो पानी है वो अभी भी गर्म होगा, और जो व्हाइट है उसमें पानी, ये जो पानी है वो काफी गर्म नहीं होगा एज कम्पेयर टू द ब्लैक वन। व्हाई? बिकॉज ब्लैक कलर डजंट लूज हीट इजिली एंड दिस व्हाइट इट लूज हीट वेरी इजिली। तो यहां पर यह साबित होता है कि जो डार्क होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से अगर हमें विंटर में ये चॉइस दी जाए कि आप एक थिक ब्लैंकेट लोगे या दो थिन ब्लैंकेट्स, तो वी शुड प्रेफर टू थिन ब्लैंकेट्स। व्हाई? बिकॉज ये जो दो थिन ब्लैंकेट्स होते हैं इनमें जो हवा होगा, एयर होगा, बिकॉज एयर इज पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो आपकी जो बॉडी की हीट होगी वो इसको बाहर नहीं जाया होने देगी, तो इस तरह से आपकी जो बॉडी है वो आराम रहेगी। इस तरह से हम मोटे कपड़े पहनने के बजाय अगर हम वूलन क्लोथ्स पहनेंगे लेकिन एक दो, तो उनमें जो एयर होगा वो ट्रैप होगा और हम वार्म रहेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कुछ चीजें हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम चाय, अगर गर्म चाय तो वो हॉट होती है, आइसक्रीम वो ठंडी होती है ना। तो कुछ अब हम कैसे ये फैसला करेंगे कौन हॉट है और कौन कोल्ड है, क्योंकि कभी कभी ये जो एक हॉट चीज होती है ये किसी एक के लिए हॉट हो सकती है और किसी दूसरे के लिए कोल्ड हो सकते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। हम क्या लेंगे, हम तीन मग्स लेंगे और बकेट्स लेंगे। हम क्या करेंगे, हम बकेट ए में कोल्ड वाटर रखेंगे, बकेट बी में हॉट वाटर रखेंगे, और बकेट सी में इन दोनों से लिए हुए पानी को मिक्स करेंगे, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। इसमें कोल्ड वाटर है, इसमें हॉट वाटर है, इसमें मिक्स है इनका। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाले में हम ये जो होगा ए इसमें हम डालेंगे लेफ्ट हैंड, जो बी वाला जिसमें हॉट उसमें डालेंगे राइट हैंड। वी विल कीप इट फॉर सम टाइम 2-3 मिनट्स। तो ये जो लेफ्ट वाला होगा इसको तो ठंड लग जाएगी, इट विल फील कोल्ड, राइट वन विल फील हॉट बिकॉज इट इज इन द हॉट बी। नाउ आफ्टर सम टाइम वी विल पुट बोथ हैंड्स इन द मग सी। अब हम दोनों हाथ निकालेंगे और उसमें रखेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, जो ये सी वाला है लेफ्ट हैंड को ये वार्म लगेगा, इसको ये हॉट लगेगा, लेकिन जो राइट हैंड है इसको ये कोल्ड लगेगा। आप देखिए हाथ दोनों है, एक को ये हॉट लग रहा है और दूसरे को ये कोल्ड लग रहा है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसमें जो कोल्ड वाटर था यहां इससे जो पानी है वो इसे वार्म था, तो इसको ये ऑटोमेटिकली हॉट लगेगा। अब जो ये है
इसमें जो हॉट वाटर था मे बी लेट इट बी इट वॉज ऑन 30°C नाउ इट इज मिक्सड विद कोल्ड मे बी इट्स टेम्परेचर विल बी 15 नाउ इसको ये थोड़ा सर्द लगेगा कोल्ड लगेगा अगर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 5 degree था तो जब ये 15 हो गया तो इसको ज्यादा 10 degree ज्यादा वार्म लगेगा तो हम ये कभी अपने सेंस यानी कि हम अपने सेंसेस पे रिले नहीं कर सकते सेंस ऑफ टच पे कि कौन चीज हॉट है और कौन चीज कोल्ड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए एक रिलेबल मेजर है उस रिलेबल मेजर को जो कि किसी चीज की हॉटनेस है चाहे वो सर्द है चाहे वो गर्म है कितना सर्द है कितना गर्म है तो उस रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम टेम्परेचर कहते हैं यानी कि किसी चीज की हॉटनेस जो होती है वो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर में ठीक है तो हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मेजर ऑफ रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर और इस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किससे बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज थर्मामीटर ठीक है तो उस थर्मामीटर को कितने किस्में क्या है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे